करनाल के गांव कोंड में आपसी गुटबाजी के चलते दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हुई कहासुनी व मारपीट डीएसपी कार्यालय एवं अस्पताल परिसर में भी जारी रही। दोनों गुटों में से एक के बलराज नामक व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कि वह गांव में सरपंच का चुनाव लड़ चुका है। दूसरा ग्रुप नहीं चाहता कि वह आगे चुनाव लड़े, इसलिए वो उसे परेशान करते हैं। बलराज ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरपंच व एक पूर्व सरपंच आपस में मिले हुए हैं। उनके ग्रुप के लोगों ने कार से उतरकर उसके साथ मारपीट की। उन्होंने गंडासी से उसके ऊपर वार किया। जब हमला पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। इस पर वो एसपी से मिले। एसपी से मिलने के बाद मामला डीएसपी घरोंडा के पास आया। बलराज ग्रुप के बलराज नरेंद्र व अन्य ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों ने डीएसपी दफ्तर में पुलिस कर्मियों के सामने ही उनके ग्रुप के एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा है। इससे दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया। दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट की। जब वे अपने मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां भी दूसरे ग्रुप ने दबंगई दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की। बलराज का कहना है कि दोनों घटनाओं की फुटेज सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस घटना के बारे में दूसरे गुट के किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो सकी। घरोंडा डीएसपी नरेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों पक्ष उनके पास आए थे और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी थी। जाते समय किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी के चलते दोनों ग्रुपों में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया था। पता चला कि आगे जाकर फिर दोनों पक्षों में कोई कहासुनी व झगड़ा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। बलराम रावल गांव कोंड से हूं और मैं 16 तारीख को सवेरे करीब 11 बजे के आसपास मैं घर से चला और मेरा अंकल मेरे साथ था जी। एक डेथ हो रही थी, मुसलमानों का लड़का एक्सपायर हो रहा अड्डे पर, तो वहाँ मैंने बैठना था और उसके बाद घरोंडा आना था। तो जैसे ही मारे वहाँ टंकी का रास्ता, ये पुल बनने में लगे, यहाँ तो रास्ता नहीं है। खिड़की खोलते ही उसने मेरे हाथ पर गंडासी मारी जी, और फिर मेरी उसके हाथ भाई होगी इतनी बार में, उसके भतीजे ने मेरा डंडे और लाठी मारनी शुरू कर दी। तो मेडिकल कराने के लिए इतना फिर हुए मेरे चक्कर में, दोबारा झगड़ा करने के चक्कर में यहाँ घूम रहे हॉस्पिटल में। आप फुटेज भी होगी हॉस्पिटल में, वहाँ भी देख सकते हैं। करीब हमने 5-6 बजे तक यहाँ वेट कराया ग्राउंडे के आसपास में, यहाँ मेडिकल कराऊंगे जी। एस पी साहब ने डी एस पी को फ़ोन कराया, भाई इनको पंचायत के तौर पर और तस्दीक कर। पंचायत का टीम मिल गया 11 बजे का डी एस पी साहब से, और वहाँ ऑफिस में हम पहुँच गए दोनों पार्टी जी। पहुंचने के बाद वहाँ सारी बात होगी। डीएसपी साहब नरेंद्र ने ये बात कही, भई हम तस्दीक कर लेंगे, हम बोर्ड बिठवा लेंगे, जिसका जो चोट है उसके आधार पर धारा लगाया गया और मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो वहाँ सारी बात निमट गया। इतनी बार में ही बीरम नाम का है, बीरम सुनोप थाना, उसने, मेरा अंकल है ये नरेंद्र, वहाँ डीएसपी के सामने इसका रैपट मारा, वहाँ मारपीट होना शुरू कर दी। उसके बाद हम इसका मेडिकल कराने के लिए जैसे ही आए ना, उसके बाद फिर तीन बंदे आए, एक विक्की, वहाँ बलजीत और वे सारे सरपंच वगैरह सारे थे, उन्होंने मारपीट कर इधर रहे। और इतने गुंडा परिवर्ती के लोग हैं, तीन बार मेरे पास साथ षड्यंत्र करने का प्रयास कर लिया इन्हें, भाई इसको कहीं ना कहीं जाड़ इस पर बिछाओ। क्या पुराने दुश्मन है आपके? कुछ नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मैं सरपंच का चुनाव लड़ता हूँ, राजनीति की रंजिश रखते हैं मेरे से। मैं दो बार चुनाव लड़ दिया, एक बार 20-30 वोटों से पहला चुनाव हार गया, फिर ही ना षड्यंत्र रच के सारे इकट्ठे हो गए सारे, ना फिर मैं 150-200 वोटों से रह दिया। ये फिर ये रंजिश ये रख रहे, हालांकि रिजर्वेशन है इलेक्शन, और ये मेरे को फंसाने का प्रयास कर रहे, भाई इसको लाइन से बाहर करो, ये रंजिश है। डीएसपी कार्यालय में क्या सरपंच ने भी आप पे हमला किया? हाँ बिल्कुल, सारे थे वहाँ अंदर, अंदर सरपंच भी था, पूर्व सरपंच संजय भी था और बलजीत भी था और बिरम, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। और आगे भी मैंने डर है कि मेरे पास मेरे साथ जानलेवा हमला होगा। आपने शिकायत दे दी? शिकायत मैंने दे रखी सर, अभी मेडिकल कराया है मेरे तो, इसके चाचा के लड़के साथ, रविंदर के साथ, रवि के साथ और अंकल के साथ, इनके साथ मारपीट करी। अभी वहाँ पे थे हम, पंचायत में आए थे, भाई के साथ झगड़ा हुआ था, पंचायत में आए थे वहाँ पे जी। पंचायत में आने के बाद जैसे ही वहाँ दोनों साइडों की डीएसपी साहब ने बातचीत सुनी, तो बातचीत सुनने के बाद में उनमें एक बिरम नाम का व्यक्ति है, उसने वहाँ गाली गलौच करना शुरू कर दिया और हमारे अंकल पे पहला वार कर दिया, उसने दड़ाक छोड़ दिया, जबकि हमारे पिता समान है हमारे अंकल जी, उन पे वार कर दिया और वहाँ से झगड़ा होते होते नीचे उतर गया।
जितने उनके लोग थे सारे झगड़े में, वो बलजीत था, बिरम था और दो चार और लोग थे, उन्होंने झगड़ा शुरू करा। हम बीच में छूट छटा के लिए बड़े तो उन्होंने मारे पे भी मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमारे को चोट चाट लगी, जैसे हमारे को चोट चाट लगी आने के यहाँ मेडिकल कराने लगे, तो तीन चार लड़कों ने आ गए यहाँ फिर दोबारा से झगड़ा करे हमारे साथ। और यहाँ इन वहाँ के CCTV कैमरे में भी है और यहाँ आके में भी हमारे साथ जो उन्होंने किया। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा, कौन गाँव से पहले एक FIR दर्ज है, उस संबंध में दोनों पक्ष यहाँ आए हुए थे, दोनों पक्ष की आपसी बातचीत चल रही थी, उनके फैक्ट जाने जा रहे थे। तो जब बातचीत कंप्लीट होकर जब जाने लगे यहाँ से, तो दोनों पक्षों में आपसी कोई किसी बात को लेके थोड़ी कहास हुई होगी, धक्का मुक्की होगी, जिस संबंध में यहाँ से उनको फारिग करके भेज दिया गया। तो बाद में पता चला कि नीचे जाके उनका थोड़ी हाथापाई हुई है, उन संबंध में जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, जो दरखास्त किसी से प्राप्त होगी उस संबंध में आगे भी जो कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.